नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और देश की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि एक क्लिक के जरिए आप जान जाएं कि वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आज देश में चर्चा हो रही है। आज की पहली सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार देश में चर्चा हो रही थी वो खबर है SC ST एक्ट से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने लोकसभा में SC ST एक्ट संशोधन विधेयक 2018 को पेश कर दिया। ये वही बिल है जिसके तहत अब SC ST एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में नजर आएगा। आपको याद होगा कि 21 मार्च वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो नियम था उसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद दलित समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया था और पूरा देश इस आग में झुलस रहा था। केंद्र सरकार भी उस आंच से बच नहीं पाई। जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, दलित समाज ने इसकी नाराजगी केंद्र सरकार पर दिखाई। केंद्र सरकार ने अब इस बिल को संशोधित रूप में पेश कर दिया है जिसमें कि SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान होगा, साथ ही अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाएगी और SC ST मामलों की जो जांच है वो इंस्पेक्टर रैंक का ही पुलिस ऑफिसर कर पाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर सदन से आई। मानसून सत्र का ये 12वां दिन है और 12वां दिन भी NRC के मसले पर लगातार हंगामा हो रहा है। आज 12वें दिन भी सदन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि नागरिकों की जानकारी बेहद आवश्यक हो गई थी, इसलिए इस ड्राफ्ट को लेकर डरे नहीं, ये ड्राफ्ट है, कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं। सदन में TMC ने भी जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। सांसदों का प्रतिनिधि मंडल असम पहुंचा था जहां पर कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। इसे लेकर TMC ने भी नाराजगी जताई और लगातार सदन में हंगामा करते रहे। आज की ये दूसरी बड़ी खबर थी जिस पर लगातार सदन में हंगामा होता रहा। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर देश में चर्चा होती रही और वो थी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे टकराव के खत्म होने की खबर। दरअसल आपको याद होगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने दिख रही थी, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट भेजने के कॉलेजियम के जो फैसले पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और अब ये मामला सुलझता दिख रहा है। आज एक और शख्सियत चर्चा में थी। आज दिन भर अमर सिंह के उस बयान की चर्चा होती रही जो उन्होंने ये पूछने पर कहा कि क्या वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अमर सिंह ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन PM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए देश भर में प्रचार जरूर करेंगे। लखनऊ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह का अपने संबोधन में जिक्र किया था, उस वक्त से अटकलें तेज थीं कि अब अमर सिंह BJP का दामन थाम सकते हैं। और आज एक और खबर जो चर्चा का विषय बनी रही वो रही महाराष्ट्र में जलगांव और सांगली में पालिका चुनाव, जिसका आज परिणाम आया और BJP ने वहां अपना परचम लहराया। कांग्रेस और NCP के साथ साथ शिवसेना का भी वहां पत्ता साफ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जलगांव महानगर पालिका की 75 सीटों और सांगली की 78 सीटों पर यहां मतदान हुआ था। इसमें तकरीबन 153 सीटों पर 754 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था और BJP ने यहां पर अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस तरीके का ये परिणाम आया है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि BJP के अच्छे दिन कम से कम महाराष्ट्र में तो आ ही रहे हैं। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।